अज्ञानी हम लोग गर्व में भगवान से वादा तो करके आ गए, पर फिर दुनिया के खिलौने में इतना मदमस्त हो गए कि गर्व का वादा भूल गए, भगवान से किया गया वादा भूल गए। भगवान से किए गए वादे को नहीं निभाने का परिणाम बड़ा भयानक होता है, इसलिए सावधानी से उस वादे को याद रखें, समय समय पर उनको स्मरण करें, उनको याद करें, उनको भजें। अच्छा जी, चलो आ गए गर्भ से बाहर, अब क्या? बचपन बीता पढ़ाई में, जवानी बीती कमाई में, बुढ़ापा बीता किसमें? बुढ़ापा बीता दवाई में। सुबह शाम दोपहर चारों तरफ लगे पड़े हैं, कमाई पढ़ाई दवाई, बस इसी में करते करते सबरा जीवन चला जाता है, और जिस काम के लिए आए थे भगवान को पाने के लिए वही भूल जाते हैं। इसलिए बस उस काम को याद रखिए। कपिल भगवान अपनी माँ को ये गर्भ गीता का वर्णन सुना रहे हैं, फिर और भी बहुत सारा अष्टांग योग का वर्णन सुनाते हैं। सब सुना करके कपिल भगवान माता को विदा करते हैं और स्वयं चले जाते हैं गंगा सागर। मनु महाराज की एक पुत्री देवी प्रसूति हुई हैं, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनके घर माता सती हुई, जिनका विवाह भोलेनाथ जी के साथ हुआ। सब कथा आप सुने होंगे कैसे भोलेनाथ जी का अपमान दक्ष करता है। भगवान उसके भोलेनाथ जी के दूत क्रोध में आकर के उसका सर काट देते हैं, और फिर भगवान दया करके बकरे का सर लगा के उसे पुनः जीवन दान देते हैं। इस प्रकार ये कथा श्रवण कराई गई। और फिर उत्तानपाद महाराज की कथा आती है। उत्तानपाद महाराज की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का बेटा है ध्रुव और सुरुचि का बेटा है उत्तम। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद हम सब जीव उत्तानपाद ही हैं। और दो पत्नी, हम सबके पास दो पत्नी है। दो पत्नी मतलब बुद्धि जो है ये दो रास्ते पर चलती है, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति और सुरुचि, कभी कभी हमारी बुद्धि अपनी रुचि से चलती है, जो मन किया वो किया, जैसा भक्ति का मन चाहा वैसा किया। और एक है सुनीति, जो नीति शास्त्र कहते हैं, जो हमारे पुराण कहते हैं, उसके अनुसार चले। जब बुद्धि शास्त्र अनुसार चलती है तब ये हमेशा सही रास्ते पर चलती है, पर जब अपनी मनमानी करने लगती है ना, तब फिर ये बुद्धि रास्ता भटक जाती है। आजकल भजन भक्ति में भी ना लोग शास्त्र से कम चलते, अपनी रुचि से ज़्यादा चलते, जहाँ जो मन किया वही चालू हो जाते। एक आदमी ने अगर एक पेड़ पर नारियल चढ़ा दिया ना, तो सबरे वहीं पहुँच जाएंगे नारियल चढ़ाने। इस पेड़ पर जरूर कोई रहता है, इसने चढ़ा हम भी चढ़ाएंगे, गजब हो गया जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्र अनुसार भजन करो, शास्त्र अनुसार भक्ति करो। शास्त्र अनुसार भजन भक्ति करोगे तो फिर ये झंझट नहीं पालोगे जीवन में, उल्टे सीधे काम करते रहते, घर में नजर नहीं लग जाए सो घर के बाहर वो क्या लगाते हैं, एक नहीं आता वो काला काला घड़ा, काला काला मटका, फिर उस पर मुंह बनाते हैं, उसकी आंख बनाते हैं, नाक बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, सब बनता है। उसको हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, पर समझ जाओ क्या है। और महाराज करोड़ों रुपया लगाएंगे कोठी में, और फिर एकदम एंट्री गेट पर लग जाएगा वो उसका मुखौटा। हम मुकोटा लगा देते हैं, फिर अब स्वागत उसी से होता है। अंग्रेज भारत में आया तो उनको तो पता नहीं है क्या होता, उनके देश में तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो वो पूछता है कि भैया जी, इज दिस द पिक्चर ऑफ द हाउस ओनर, घर के मालिक की फोटो लगी है क्या ये? तो ये सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। गाड़ी लाएंगे करोड़ों रुपया की मर्सिडीज, उसमें नींबू मिर्ची लटका देंगे,
कितने डरे रहते हैं हम लोग, नज़र लग जाएगी, उसकी गलत नज़र पड़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, शनि की दशा, राहु की दशा, उसकी टेढ़ी हो जाएगी, उसकी टेढ़ी हो जाएगी। हाँ, पड़ता होगा असर उन लोगों पर जो भगवान को नहीं मानते, पर जो हमारे बांके बिहारी को पकड़ लेता है ना, उसको दुनिया में कोई नज़र नहीं लगा सकता। देखो, नज़र से बचना हो तो नज़र से बचने के लिए माता अपने बच्चे को क्या लगाती है? काला टीका लगाती है। काले से नज़र से बचा जा सकता है, तो दुनिया में सबसे काला कौन है? सबसे काले हमारे बिहारी जी, राधा रमन जी। दुनिया में कोई ऐसा काला हो जाए पैदा तो दिखा देना, एकदम काले। तो बिहारी जी कौन है? बिहारी जी हमारा काला टीका है, जिसके जीवन में बिहारी जी कोई दुनिया का ऐसा पैदा नहीं हुआ माई का लाल जो तुमको नजर लगा सके। ना कोई दिशा टेढ़ी होगी, ना कोई दशा टेढ़ी होगी, सब सीधा ही सीधा चलेगा। तो घबराने की ये मन की रुचियां हैं, मन से बना, फलाने दिन धोना नहीं, फलाने दिन ये नहीं करना, फलाने दिन अच्छा कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, घर में ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया, बड़ों का आशीर्वाद लिया, गुरु जी को याद किया, और याद करके निकले अच्छे काम, अच्छी मीटिंग के लिए, गाड़ी निकाली, गाड़ी चली, और जैसे गाड़ी चली सामने से आ गई बिल्ली, निकल के सामने से चली गई। इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि आप तो जल्दी में थे, पर बिल्ली आपसे थोड़ा ज्यादा जल्दी में थी, तो वो पहले निकल गई। पर हमारा दिमाग अशुभ हो गया, अब तो काम बिगड़ेगा, उल्टा ले आते गाड़ी। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, एकाध कोई नया कोई आ जाता है, ड्राइवर बैठ जाता है, तो फिर कोई बिल्ली आ जाती है, फिर रोकेंगे, फिर माचिस जलाएंगे। एकाध बार ऐसा हुआ, बोले माचिस निकालो, फिर उसको जलाओ, बोले बिल्ली आ गई। उनको ये नहीं पता हमारे ठाकुर जी के सामने बिल्ला बिल्ली ये सब कोई किसी काम के नहीं है। अगर भगवान का आशीर्वाद लेके जा रहे हो और फिर भी लौट आते हो, इसका मतलब है तुम्हारा भरोसा भगवान पर नहीं है। तुम्हारा भरोसा भगवान से ज़्यादा, गुरु से ज़्यादा उस बिल्ली पर है। जिस दिन भगवान पे भरोसा हो गया, समझ जाओगे।